गाइस यार आज हम लोग GTA 5 में देखने वाले हैं कैसे हल्क मैजिकल गोल्ड बेबीज को खाके अपग्रेड होता है अपने मेगा गोल्ड हल्क में और तैयार करता है शी हल्क को उससे शादी करने के लिए। तो यार हल्क का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओपी गोल्ड हल्क जरूर लिखना। तो यार एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। शी हल्क के फोन की लोकेशन तो यहीं के दिखा रहा है, पर कहां गई शी हल्क? कहां गई तुम मुझे छोड़ के? ये क्या, शी हल्क तो गोल्डन कार्नेज के साथ है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गोल्डन कार्नेज, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी चाहे कुछ हो जाए। कार्नेज को बहुत खुशी हुई, कार्नेज तुम्हें बहुत सारा सोना देगा और रानी बना के रखेगा, चलो कार्नेज के साथ। ये क्या बात हो रही है शी हल्क, तुम यहाँ क्यों भाग के आ गई? हमारी तो परसों शादी है ना। अरे तुम हल्क चले जाओ यहाँ से, मुझे पता चल गया है तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं है, तुम बहुत गरीब हो, मैं गरीब से शादी नहीं कर सकती, चले जाओ यहाँ से, तुम तो गोल्ड के भी नहीं हो। ये देखो मेरा नया होने वाला पति कितना ज्यादा बढ़िया गोल्ड का है। कार्नेज बहुत अमीर है, तुम कार्नेज के साथ चलो, कार्नेज तुम्हें बहुत पैसा देगा, चलो शी हल्क। अरे तो क्या हो गया, मैं अमीर नहीं हूँ पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो। हल्क तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ या फिर अमीर बन के दिखाओ परसों तक, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं तुम एक नंबर के लूजर हो, तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं है और मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, चले जाओ यहाँ से। शी हल्क तुमने ऐसा क्यों बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं पूरा गोल्ड का होने के लिए भी तैयार हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगा। मिस्टिफाई क्या हो रहा है हल्क के साथ? भाई बॉब यार ये तो लगता है शी हल्क ने हल्क को धोखा दे दिया यार। पर ऐसा हो कैसे सकता है, शी हल्क तो हल्क से बहुत प्यार करती है। हाँ भाई बॉब यार, पर शी हल्क ने भी अपने रंग दिखा दिए, उसे भी कोई अमीर चाहिए जिसके पास बहुत पैसा हो, और हमारा प्यारा हल्क सबकी मदद करते करते बिल्कुल गरीब हो गया है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो हल्क को भी अमीर बनाना पड़ेगा। भाई बॉब यार मेरे को कुछ नहीं पता भाई, हम तो बस देख सकते हैं अब हल्क करेगा क्या, कैसे अमीर होगा। हल्क को कुछ ना कुछ करके अपने आप को गोल्ड का बनाना होगा। पर कैसे बनाऊं मैं अपने आप को गोल्ड का, कौन मेरी मदद करेगा? अरे नहीं मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, मेरे दादाजी के किताब में रास्ता तो लिखा हुआ है मुझे गोल्ड का और ताकतवर बनाने का, पर उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा गलत काम करना पड़ेगा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? बीस्टिफाई मेरी मदद करो। अरे भाई हल्क क्या हो गया? बीस्टिफाई मैंने अपने दादाजी की किताब में पता करा है कि कैसे मैं अपने आप को गोल्ड हल्क में अपग्रेड कर सकता हूँ और अमीर बन सकता हूँ। हाँ तो भाई दिक्कत क्या है, कर लेना। पर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कैसे किसी बच्चे को खा सकता हूँ? अबे क्या, तुझे बच्चे को किसने खाने को बोला है? मेरे दादाजी की किताब में लिखा हुआ है अगर कोई हल्क मैजिकल गोल्डन बेबी को खा लेता है तो वो सबसे ज्यादा अमीर ताकतवर गोल्ड हल्क में अपग्रेड हो जाएगा। भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक प्लान है यार। पर यार हल्क तुम्हें शी हल्क को अपना बनाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हें उन बच्चों को ढूंढ के खाना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। चलो ठीक है बीस्टिफाई, तुम अगर कह रहे हो तो मैं ये भी कर लूंगा, मैं जल्दी से ढूंढता हूँ वो बच्चों को, कहाँ है वो गोल्ड बच्चे, मेरे सामने आ जाओ जल्दी। अरे भाई हल्क तुम कहाँ पे आ गए हो? हल्क को पता चला है कि वो गोल्डन बेबी यहीं पे ही है, वो तुम सामने एक आइलैंड टाइप का देख रहे हो ना, वहाँ पे छुपा है वो गोल्डन बेबी जो कि बहुत ही ज्यादा मायावी है, मैजिकल है वो। मैंने अपने दादाजी के किताब से कोई तो मंत्र बोला था जिसके बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ, उस किताब में लिखा है कि मैं यहाँ पे जैसे ही कोई बाइक को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इस रैंप को कम्प्लीट करूंगा और एंड में पहुँच जाऊंगा तो मैं उस बेबी को खा सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ये रैंप किसी को नहीं छोड़ता, आज तक जिसने भी इसको पार करने की कोशिश करी है वो हार आई है, पर मैं तो जीत के रहूंगा। हाँ भाई हल्क यार हम तुम्हारे साथ हैं, गाइस आप लोग हल्क के साथ हो ना? अगर हल्क के साथ हो यार तो कमेंट बॉक्स में हल्क हम तुम्हारे साथ हैं ये कमेंट करो, हल्क जीतेगा। अरे ये क्या हो रहा है, गया मैं तो बच गया पर मेरी बाइक पानी में गिर गई, ऐसा कैसे हो सकता है? बीस्टिफाई मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ भी करके यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्या करूं? गाइस आप लोगों को हल्क की मदद करनी होगी, आप लोग यार कमेंट बॉक्स में बाइक लिखो जिससे भाई हल्क के पास एक बहुत ही खतरनाक बाइक आ जाएगी, जल्दी लिखो यार कमेंट बॉक्स में बाइक बाइक बाइक। और ये हल्क
के पास इतनी खतरनाक बाइक कहाँ से आ गई? गाइस यार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बाइक लिख दिया जिसकी वजह से भाई हल्क के पास बहुत ही खतरनाक बाइक आ गई है। हल्क अब यहाँ से जंप मारेगा। या 3, 2, 1, go। अरे ये क्या ही खतरनाक जंप मारी थी हल्क ने। ओ भाई साहब हल्क एकदम सही जगह लैंड हुआ है। जल्दी से हल्क फिर से बाइक उठा लेता है फिर चलेगा। गाइस यार हल्क को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ये हुई ना बात। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक बाइक तो पीछे छूट गई पर हल्क यहाँ पे आ गया है। अब भाई हल्क को कोई कार लेनी पड़ेगी। हल्क को ये कार बहुत अच्छी लगी। ये हरी कार है हल्क की प्यारी कार। अब हल्क इससे जाएगा। हल्क शी हल्क से शादी करके जरूर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उस कार्नेज की तो बैंड बजा दूंगा मैं। हल्क चलेगा बहुत स्पीड से। ये पहुंच गया हल्क। अब हल्क को उस साइड जाना है। क्यों ना हल्क यहीं से जंप मारे। नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा। हल्क को ऊपर जाना ही होगा चाहे कुछ भी करके। गाइस जब तक हल्क ऊपर जा रहा है तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन भी दबा देना यार। ओ भाई क्या ही बचा है यार। हल्क तो गिरते गिरते बचा है। हल्क बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। ये बहुत ही आसान है। ये हल्क ने मारी जंप। हल्क की कार टूट रही है पर हल्क हार नहीं मानेगा। हल्क उस बच्चे को खा के ही रहेगा जो हल्क को ताकतवर बनाएगा। लेट्स गो गाइस यार बहुत स्पीड से हल्क जा रहा है। जैसे ही हल्क उस बच्चे को खा लेगा वैसे ही हल्क का गोल्ड मीटर बढ़ जाएगा और हल्क गोल्ड में अपग्रेड होने लगेगा। क्या ही खतरनाक जंप मारी है भाई साहब। हल्क कूद जा। हल्क अभी कूदता है। ये कूदा हल्क। हल्क की गर्दन। यार कोई बात नहीं गाइस यार आप लोग देख सकते हो सामने हल्क को मिल गया उसका पहला गोल्ड बच्चा। जल्दी से हल्क इसको खा ले यार। हल्क को ये बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। अरे गाइस ये क्या हुआ आप लोग देख सकते हो गोल्ड बच्चा कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई हल्क जल्दी खा ले। हल्क अभी खाता है। यम 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 यम। अरे ये क्या हल्क इतना पतला और कमजोर हो गया है। पर चलो हल्क गोल्ड का तो बना। अब हल्क को बस अपनी बॉडी और ताकत वापस पानी है। गाइस आप लोग देख सकते हो हल्क गोल्ड का तो बना है पर भाई कितना कमजोर और पतला हो गया है। ऐसे तो भाई शी हल्क इसको रिजेक्ट कर देगी। हल्क भाई और भी गोल्डन बेबीज को हमें ढूंढना पड़ेगा। हल्क ढूंढेगा और करेगा अपनी शी हल्क से शादी। चलो बीस्टिफाई जल्दी चलते हैं कहीं और। मेरे दादाजी ने सही बोला था इसी लोकेशन पे एक यूएफओ आता है। मुझे अब इसी यूएफओ के अंदर जाना पड़ेगा बीस्टिफाई। इसी यूएफओ में छुपा है वो जादुई गोल्डन बच्चा। बहुत सालों पहले एलियंस आए थे उस बच्चे को ले गए थे। मुझे जल्दी जाना होगा इस यूएफओ में। जल्दी जाता हूँ यहाँ तो बहुत बंदर है। अरे बंदरों हट जाओ यहाँ से मुझे जल्दी जाने दो। अरे ये क्या हल्क ये पानी के अंदर कहाँ से आ गया। यूएफओ में जाते ये कौन सी जगह है। वो बच्चा कहाँ गया। ये रहा का मतलब दादाजी सही कह रहे थे। हल्क पहले इसको खाएगा तब बताएगा दादाजी ने क्या बोला था। बच्चे तू तो गया। हल्क अपग्रेड हो गया। हल्क बन चुका है गोल्डन हल्क। पर अभी भी हल्क को और ज्यादा गोल्ड चाहिए और भी ज्यादा ताकतवर हल्क बनेगा। दादाजी ने बताया था उस यूएफओ में जाते ही हम लोग यूएफओ का फ्यूचर देख सकते हैं। मेरे दादाजी ने खुद अपने हाथों से उस यूएफओ की बैंड बजाई थी। खैर कोई बात नहीं कुछ भी हुआ हो मेरे पास तो मेरी ताकतें आ रही हैं। अब मैं अपग्रेड हो जाऊंगा। गाइस यार आप लोग देख सकते हो हल्क बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपग्रेड हो रहा है यार। इसका गोल्ड हल्क मीटर बहुत जल्दी बढ़ रहा है। दादाजी की किताब के हिसाब से वो पोर्टल यहीं पे होना चाहिए था। अरे भाई हल्क कहाँ जा रहे हो तुम। हल्क को लग गई बीस्टिफाई। दादाजी की किताब में एक पोर्टल के बारे में लिखा है। वो पोर्टल एक सीक्रेट जगह पे ले जाता है उस इंसान को जो उस पोर्टल में जाता है जहाँ पे वो गोल्डन बच्चा होगा। ये रहा वो पोर्टल। मिल गया मेरे को बीस्टिफाई। क्या तुम मेरे साथ हो। हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे को तो नहीं पता था तुम्हारे दादाजी इतने ज्यादा खतरनाक है। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट थे। मैं जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। हल्क अब पोर्टल के अंदर जाने वाला है। 3, 2, 1, go। अरे ये मैं कहाँ आ गया। दादाजी ने ये सीक्रेट जगह के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। मुझे कहाँ पे मिलेगा वो बच्चा। उसमें तो बस इतना ही लिखा है उस सीक्रेट जगह पे होगा वो बच्चा पर यहाँ पे तो कहीं नहीं है। क्या करूँ ये इतनी मशीनें कहाँ से रखी हुई है। दादाजी मेरी मदद करो। कैसे ढूंढूं उसको। कहीं ऊपर तो नहीं है कुछ। ऊपर कोई बटन वगैरह हो जिससे वो बच्चा प्रकट होता हो। मैं जल्दी ऊपर जाके देखता हूँ। या मैं तो जंप भी नहीं मार पा रहा। फिर से कोशिश करता हूँ। एक और बड़ी जंप। बहुत बढ़िया यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं। सेब है बहुत टेस्टी। हल्क को बहुत भूख लगने लगी। ये रहे कितने बढ़िया सेब और आम है। अम यम यम यम। अरे ये रहा बच्चा। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था ये बच्चा यहाँ पे है। मैं जल्दी
जल्दी से इस बच्चे को खाता हूँ, फिर मेरे को पता चलेगा। इस बच्चे को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। जल्दी चढ़ जाओ, जल्दी से इस बच्चे को खाता हूँ। अरे मैं अपग्रेड नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है? मेरा गोल्ड मीटर तो बड़ा था पर मैं अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है? गाइस यार, आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी हल्क की। अच्छा अब मैं समझा, मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ ये दोनों कब्र किसकी है, इसीलिए मैं अपग्रेड नहीं हुआ। मुझे अपने दादाजी को और अपनी दादी जी को थैंक यू बोलना होगा। दादाजी दादी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे अपग्रेड करो ताकि मैं शी हल्क को अपनी पत्नी बना सकूं, उससे शादी कर सकूं। मुझे अपग्रेड करो प्लीज। अरे ये क्या, मैं तो कितना ज्यादा अपग्रेड हो गया। ये मेरे दादा दादी जी की कब्र थी, इन्होंने मुझे ताकतवर बना दिया। अब तो शी हल्क से मैं ही शादी करूंगा। शी हल्क मैं आ रहा हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा हल्क कितना ज्यादा खतरनाक और अमीर हो गया है, गोल्ड हल्क बन चुका है। इसके पास तो भाई गॉडज़िला का दिमाग आ गया है और सर भी गॉडज़िला का है। ये तो लगता है भाई 2-in-1 हो गया है। शी हल्क कहाँ पे हो तुम? शी हल्क हा 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 हा, देखो मैं अमीर हो गया हूँ। अरे नहीं क्या हल्क, ये तुम हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर और गोल्ड के हो गए हो। तुम्हें तो देख के वो गोल्ड कार्नेज भाग ही गया। मुझे माफ कर दो शी हल्क, देखो मैं कितना ज्यादा ताकतवर और गोल्ड का हो गया हूँ। अब मैं भी बहुत अमीर हूँ। अब हम लोग परसों बहुत ही धूमधाम से शादी करेंगे, सभी अवेंजर्स को बुलाएंगे। हा 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 हा, देखो मेरी पावर, ये देखो और ये भी। हा 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 हा, ये सब मेरे दादाजी का कमाल है, उन्होंने ही मुझे पावर हासिल करने का रास्ता बताया था शी हल्क। हा हा हा। गाइस आप लोग देख सकते हो हल्क के पास कितनी ज्यादा पावर आ गई है। मैं उस कार्नेज की बैंड बजा दूं। अरे भाई साहब, हमारे गोल्ड हल्क ने गोल्ड एटॉमिक ब्लास्ट कर दिया जिससे भाई कार्नेज की बैंड बच चुकी है। गाइस आप लोग देख सकते हो एक कमजोर से हल्क ने मैजिकल गोल्ड बेबीज को खाके अपने आप को मेगा गोल्ड जाइंट हल्क गॉडज़िला में अपग्रेड कर दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई, जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।